हाय एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों की ऐसी ड्रिंक जिसे पीकर आप गर्मी में लू से बचे रहेंगे और इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी ये हमारी हेल्प करेगा। आज हम तरबूज का जूस बनाने वाले हैं। वैसे तो तरबूज खाना सबको बेहद ही पसंद होता है, लेकिन जब खाने में इसके ढेर सारे बीज आते हैं तो उनको निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है, खासकर बच्चों को। इसलिए मैं आप सभी के साथ तरबूज की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको तरबूज के सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलेंगी और बीज निकालने का झंझट भी नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तरबूज का जूस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक मीडियम साइज का तरबूज। अब तरबूज को हम काट कर देखेंगे कि ये अंदर से कैसा है, क्योंकि तरबूज अंदर से कैसा निकलेगा वो तो इसको काटने के बाद ही पता लगेगा। एक नाइफ की हेल्प से तरबूज को हम पहले दो पार्ट्स में कट कर लेंगे इस तरह से। तरबूज को कट करने के बाद हम देखेंगे कि तरबूज हमारा बिल्कुल लाल निकला है। अब तरबूज को हम इस तरह से स्लाइसेस में कट करेंगे। स्लाइसेस में कट करने के बाद एक स्लाइस को दो पार्ट्स में कट करेंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तरबूज में हमारे ढेर सारे बीज हैं, तो मैंने तरबूज को कट कर लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और साथ में ही हम एक कद्दूकस भी ले लेंगे। कद्दूकस हर घर में अवेलेबल रहता है, तो अब हम तरबूज को कद्दूकस करेंगे। हम तरबूज को बारीक वाली साइड से कद्दूकस करेंगे और बड़े ही सॉफ्टली हम इनको ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर हमने नहीं डालना है, नहीं तो तरबूज के मोटे मोटे पीसेस टूट कर गिर जाएंगे। इजीली ये ग्रेट हो जाते हैं क्योंकि तरबूज में ढेर सारा पानी होता है। बहुत ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बड़े हल्के हाथों से ही ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक पीस को ग्रेट कर लिया है और तरबूज का एक भी बीज टूटा नहीं है। हमने इसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करना है फ्रेंड्स, हमने इसको ग्रेट करके ही लेना है, क्योंकि अगर हम मिक्सी में इनको ग्राइंड कर देंगे तो इसके बीज भी साथ में ही पिस जाएंगे, जिससे हमारा जूस बेहद ही कड़वा बनकर तैयार होगा। पूरे तरबूज को मैंने ग्रेट कर लिया है और ये देखिए इतना सारा जूस इससे निकला है। इसमें तरबूज के बीज भी हैं और रेशे भी हैं जिनको हमने अलग करना है। इसलिए हम एक मिक्सिंग बाउल के ऊपर एक स्ट्रेनर लगाएंगे और पूरे जूस को छान लेंगे, जिससे इसके बीज और रेशे अलग हो जाएंगे और जूस अलग रह जाएगा। छलनी हम थोड़े बड़े साइज़ वाली ही लेंगे, क्योंकि बड़े साइज़ वाली छलनी के साथ जूस को छानना ईजी रहेगा। तो हम इस तरह से स्पून से हिलाते हुए इसको बढ़िया से छान लेंगे। बेहद ही बढ़िया रिफ्रेशिंग ये जूस बनकर के तैयार होता है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाल लाल तरबूज का सीज़न भी है, तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद ही पसंद आएगी। तो मैंने ये देखिए आधे जूस को छान लिया है और इतने सारे बीज और रेशे इसके निकले हैं। अब बाकी का बचा हुआ जूस भी हम सेम तरीके से छान कर तैयार कर लेंगे। जूस को हमने छान लिया है और एक तरबूज से हमारा 1.5 लीटर के करीब जूस निकल कर तैयार हुआ है। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है और ना ही कोई फूड कलर डाला है। और अब जूस के टेस्ट को और ज़्यादा रिच करने के लिए हम इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड करेंगे। 2 स्पून डालेंगे लेमन जूस। लेमन जूस हमने ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 स्पून ही हम डालेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें मीठा डालेंगे। मैंने यहाँ पर चीनी को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है, तो मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पर चीनी का पाउडर इसमें डाला है। अब बढ़िया से सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स। शुगर पाउडर टोटली ऑप्शनल है, अगर आप कम मीठा पीना पसंद करते हैं तो आप शुगर पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मैंने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, अब हम ठंडा ठंडा जूस सर्व करेंगे। यहाँ पर हम गिलासेस में पहले डालेंगे आइस क्यूब। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं, जिनको हम हाथों से तोड़कर इस तरह से गिलासेस में डालेंगे। पुदीने के पत्ते हम पीस कर नहीं डालेंगे, क्योंकि पीस कर डालने से बेहद ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इनका आएगा और हमें पुदीने का जूस में हल्का सा फ्लेवर चाहिए, इसलिए हम हाथों से तोड़कर इनको डालेंगे। बस अब जूस भी डाल देते हैं। तो बस ठंडा ठंडा रिफ्रेशिंग जूस बनकर तैयार हो गया है और इतना टेस्टी ये जूस बनता है फ्रेंड्स। अगर एक बार आपने ये बनाकर पी लिया तो बार बार आप इसको बनाकर पीना चाहेंगे। स्पेशली बच्चे तो हर बार यही जूस बनवाकर पियेंगे जब भी आप उनको तरबूज खाने को कहेंगे, क्योंकि इसमें ना तो उनको बीज निकालने पड़ेंगे और दूसरा 2-3 चीज़ें डालकर हमने इसको फ्लेवरफुल भी बना दिया है। तो आप भी ये रेसिपी बनाना पीना, और कैसी आपको मेरी आज की ये रेसिपी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई टेस्टी हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।